सीसीएस का फेज टू स्टार्ट हो चुका है, डीयू का पूरा एडमिशन शेड्यूल आपका आउट हो गया है, तो आपका इम्पोर्टेंट ये हो जाता है ये समझना कि आपके लिए क्या क्या टाइमिंग अब रह जाती है नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करने के लिए। तो वीडियो को बस एंड तक देखते रहना, जिसकी वजह से आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है क्योंकि भाई आपको लिमिटेड टाइम मिला है आपके काम करने के लिए, तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले 7 अगस्त तक आपको देखने को मिलता है कि आप प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट आपके पास लगभग 6 दिन का समय बचा है। 7 अगस्त तक शाम के 5 बजे तक आप प्रेफरेंस फिल कर सकते हो, अपने कॉलेज कोर्स के प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन फिल कर सकते हो सीसीएस फेज 2 के। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन ये है कि 9 अगस्त को आपका सीसीएस ऑटो लॉक कर देगा आपकी प्रेफरेंस को शाम के 5 बजे तक, तो आपके पास प्रेफरेंस फिल करने के लिए समय 7 अगस्त तक है। 9 अगस्त को आपका सीसीएस पोर्टल है जो सिस्टम है वो अपने आप जो भी प्रेफरेंस आपने सेव करी है उसको ऑटो लॉक कर देगा, मतलब फाइनल कर देगा। इसके बीच में आपको पता ही है कि आपकी 4 अगस्त तक तो करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आप अपनी करेक्शन विंडो में मिस्टेक भी सॉल्व कर सकते हैं। 11 अगस्त को आपकी सिम्युलेटेड रैंक आ जाएंगे। अब ये सिम्युलेटेड रैंक क्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझेंगे, ये रैंक क्या होती है, रैंक से फायदा क्या क्या होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आपको 11 अगस्त से 12 अगस्त तक देखने को मिलेगा कि प्रेफरेंस चेंज विंडो आपकी दोबारा से ओपन होगी, मतलब आप प्रेफरेंस में दोबारा से चेंजमेंट कर सकते हो, मतलब आपको 1 से 1.5 दिन का समय और मिलेगा कि फाइनल आप अपनी प्रेफरेंस में कुछ चेंजमेंट कर सकते हो। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारी डेट हो जाती है भाई 16 अगस्त। इसमें आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट एलोकेशन आएगा सीसीएस का, मतलब आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा आपके सीसीएस पोर्टल का 16 अगस्त को। तो मतलब 16 अगस्त को आपका डेट रहने वाली है कि आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो जाते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। अब वो नेक्स्ट समझते हैं कि 16 से 18 अगस्त तक, मतलब आपको 2 दिन का समय देखने को मिल जाता है कि आपको इन समय के अंदर आपको सीट जो भी आपको एलोकेटेड हुई है उसको एक्सेप्ट करना होता है। सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास दूसरा समय क्या हो जाता है कि 16 से 20 अगस्त तक आपको नेक्स्ट टाइमलाइन देखने को मिल जाती है कि इसके अंदर कॉलेज जो हो जाता है आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और ऑनलाइन अप्रूवल देता है। लास्ट आपका स्टेप हो जाता है फीस सबमिशन का, इसकी डेट क्या रहेगी 21 अगस्त। मतलब आपकी जब भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगी, तो लास्ट आपका फीस का सेक्शन खुल जाएगा। तो 21 तारीख तक जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा 21 तारीख तक, 21 अगस्त तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हो। तो 21 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहेगी फर्स्ट राउंड के लिए फीस सबमिट करने के लिए। 21 अगस्त के बाद आपको पता चलेगा 22 अगस्त को कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, मतलब वैकेंट सीट्स के बारे में पता चलेगा आपको 22 अगस्त को। ये तो था पूरा फर्स्ट राउंड का डिटेल्स आपको कि फर्स्ट राउंड आपका कब से कब तक चलेगा। अब समझते हैं सेकंड राउंड को। सेकंड राउंड जो भी होगा सीसीएस एलोकेशन का वो आपका 25 अगस्त से 25 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा। सेम प्रोसेस रहेंगी, एक्सेप्ट करनी सीट होगी, ये एप्लीकेशन वेरीफाई होंगे, फिर आपको फीस सबमिट करनी होगी। मतलब जो 25 से 30 अगस्त तक का समय हो जाता है उसके अंदर आपका सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो थी आपकी पूरी सीसीएस पोर्टल की टाइमलाइन जिसको आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट काम हो जाते हैं वो आपको बताता हूँ कि जो आपको फॉलो करने ही है। सबसे पहले देखो आपको टाइम बहुत लिमिटेड देखने को मिल रहा है कि आपको 6 दिन देखने को मिल रहे हैं प्रेफरेंस फिलिंग के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो जाता है आपको, प्रेफरेंस के ऊपर तो काम करना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है भाई जो ये टाइमलाइन चल रही है, मतलब जो ये अभी के फिलहाल के दिन चल रहे हैं आपका एडमिशन का टाइम है, तो इस टाइम में सबसे ज्यादा आपको एक्टिव होना है। अगर आपने ये टाइम में किसी चीज को भी मिस किया तो आप अपने पोर्टल एडमिशन प्रोसेस से ही आउट हो जाओगे। तो आपको ये नहीं करना है कि आप कोई भी छुट्टी बनाने जा रहे हो या कहीं पे भी काम करने जा रहे हो, तो आपको करना क्या है, दिन में टाइम निकाल के आपको इन चीजों के ऊपर राइट वर्क करना है और सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। नेक्स्ट स्टेप आपका यही हो जाता है कि आपको 6 दिन मिले हैं प्रेफरेंस भरने के लिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है आपका प्रेफरेंस बनाने का। अगर आपने नहीं बनाया तो अभी भी आप अच्छे से रिसर्च करो क्योंकि आपके पास टाइम सही में लिमिटेड है, बट अगर आप सही से प्रेफरेंस बनाओगे तो आपको सही कॉलेज मिलेगा। और देखो आपका एक और इम्पोर्टेंट स्टेप हो जाता है, कोई भी चीज आप कर रहे हो तो आपको करना क्या है भाई, ढंग से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और जो भी चीज है उसको सोच समझ के अच्छे से फील करनी है। हड़बड़ी में या जल्दबाजी के चक्कर में गलत मत फील करना, सोच समझ के डिसीजन लेके अच्छे से नॉलेज लेना उसके बारे में तब फील करना। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट मैपिंग के ऊपर कि उसको कैसे फील करना चाहिए, क्या उसके फायदे होते हैं और कैसे उसको सही से फील करना चाहिए, और प्रेफरेंस फिलिंग के ऊपर भी बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।